हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल इंटरनेट इमेज सेवी रजिस्टर्ड। मैं मोहित अग्रवाल, सेवी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, लेकर के आ चुका हूं एक और नया प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो, जिसमें हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी में कल क्या होने वाला है। कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, बजट से एक दिन पहले एक्सपायरी, मतलब बड़ा धमाका हो सकता है कि बैंक निफ्टी ये जो पॉजिटिव सिनेरियो चल रहा है उसको फॉलो करे, या फिर एक हम लोग देख सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग मिले या फिर सेल ऑफ मिले। मार्केट में बहुत सारी न्यूज चल रही है कि बाइडेन ने बोला हुआ है कि ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक करेंगे, ये वो बहुत सारे ऐसे र्यूमर्स चल रहे हैं, न्यूज चल रही है, लेकिन उस पर काफी हद तक हमें तो बिलीव नहीं है, क्योंकि अगर ये चीज होती है, मार्केट में सर्कुलेट हो रही है अराउंड 215-220 के अराउंड से हो रही है, और उसके बाद ही बैंक निफ्टी ने नीचे से रिकवरी मारी और निफ्टी ने भी थोड़ी सी रिकवरी मारी। हालांकि हम लोग क्लोजिंग हम पॉजिटिव साइड नहीं दे पाए, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं उतने ज्यादा नेगेटिव साइड भी हम लोग क्लोज नहीं हुए, तो हमारा भी अभी भी पॉजिटिव साइड ही इंटेंट है। एक बार 1 फरवरी को बजट आ जाए, बजट के बाद हो सकता है मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए, आइदर पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड। तो हमें लेवल्स का ध्यान रखना है कि हमारा अगर किसी भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो उस हिसाब से हमें ट्रेडिंग कर लेनी है, और बजट के दिन थोड़ा सा कॉन्शियस रहना। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है तो हम लोग कॉन्शियसली ट्रेड करेंगे, बड़े पोजिशंस नहीं बनेंगे, छोटे छोटे पोजिशंस में बड़े बड़े टारगेट्स के लिए हम लोग ट्रेड करेंगे। अब बात करेंगे लेवल्स की, आज बैंक निफ्टी में क्या हुआ, हम लोग जहां पर क्लोज हुए वो लेवल्स निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग लेवल हमें देखना है, तो पर क्लोजिंग लेवल देख लेते हैं। बैंक आज क्लोज हुआ है 45,367 क्लोजिंग है, और 70-75 पॉइंट नीचे, क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लाइक अगर 70-75 पॉइंट नीचे हम लोग बंद हुए हैं तो बोल सकते हैं फ्लैट टू नेगेटिव साइड हम लोग क्लोज हुए। अब पॉजिटिव सिनेरियो क्या है, बजट सबसे बड़ी चीज, दूसरा LIC और HDFC का जो चल रहा है कि भाई LIC ने स्टेक बढ़ाने के लिए प्रपोजल दिया था तो उसका एक्सेप्टेंस मिल गया। हालांकि आज HDFC के नंबर्स में या फिर आज HDFC में पॉजिटिविटी नहीं आई, ICICI वगैरह ने थोड़ा सा बैंक निफ्टी को होल्ड रखा ऊपर की साइड में, नहीं तो हम लोग थोड़ा सा शायद और करेक्ट हो जाते। तो HDFC में एक चांस लग रहा है कि और थोड़ा यहाँ से अगर मोमेंटम मिला ऊपर की साइड कल के दिन में या फिर परसों के ट्रेडिंग सेशन में, हम लोग कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करें, कल थोड़ा भी हमें अगर गैपअप मिलता है रात में लाइक HDFC ADR या फिर जो ग्लोबल मार्केट में अगर थोड़ा भी पॉजिटिव रहता है तो कल हम लोग एक गैपअप खोलते हुए देख सकते हैं। उसी के बेस पर हम लोगों ने हमारा जो BTSC ट्रेड लिया वो भी हम लोगों ने सी साइड का लिया, रीजन यही है। देखिए होता क्या, ओवरऑल आउटलुक देखते हैं हम लोग लास्ट में जो 3:50 पे क्या मोमेंटम आ रहा वो देखते हैं, तो दोनों तीनों चीज़ें हमारे फेवर में, और हमने जब BTSC दिया वहाँ से हम लोग 250 पॉइंट्स ऑलरेडी ऊपर क्लोज हुए। अगर कल मार्केट थोड़ा सा भी 100-150 पॉइंट्स नीचे भी खुलेगा ना तो भी हमारा जो BTSC ट्रेड है वो कॉस्ट प्राइस पर आएगा, और जिसने बुक कर लिया उसने 200-250 पॉइंट्स आज के दिन में बुक भी कर लिया, तो दोनों साइड एक पॉजिटिविटी है। अब इम्पोर्टेंट लेवल्स की बात करें तो इम्पोर्टेंट लेवल्स हमें जो चार्ट पर दिख रहा है वो सपोर्ट लेवल की बात करेंगे ना, तो 45,000 एक हमें अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारा जो ये क्लोजिंग प्राइस है 45,367, मतलब 367 पॉइंट नीचे हमारा एक फर्स्ट सपोर्ट लेवल है जो हमें ध्यान में रखना है, और ये थोड़ा एक साइकोलॉजिकल लेवल भी हो जाता है। जब भी हम लोग जैसे 45,100, 45,200 या फिर 45,000, तो 45,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है कि भाई इसके नीचे आए तो हम लोग भी सेलिंग करेंगे, या फिर ज़्यादातर ट्रेडर्स का माइंडसेट वो बन जाता है कि बड़े लेवल के नीचे आए ना चीज तो वहां पर थोड़ा सा हमें सेलिंग प्रेशर मिल सकता है। आज भी देखिए हम लोग 45,200 नहीं तोड़े जल्दी से, उसके ऊपर ही हम लोग ट्रेड करते हैं, हाँ नीचे आए तो थोड़ा सा और 45,000 आज का लो एक बार हम लोग आज का लो भी हमारा मोटा मोटी यही है 45,200 के अराउंड ही हमारा लो है। तो अगर हम लोग कल 45,000 के नीचे जाते हैं ना तो ही हम लोग सेलिंग साइड में जाएंगे, जब तक हम लोग बाइंग साइड में रहे। दूसरा सपोर्ट फिर नीचे और 500 पॉइंट्स नीचे 44,500-600, अगर 45,000 ब्रेक किया ना तो 44,500 दिखाने में बैंक निफ्टी को देर नहीं लगेगी, तो आपको ध्यान में रखना 45,000 क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर हम लोग कल गैप अप खुलते तो और अच्छी बात है, और गैप डाउन खुलते नियर बाय 45,000 खुलते तो भी हम लोग बाइंग करेंगे, लेकिन अगर 45 के नीचे खुलते या फिर खुलते ही नीचे आ जाते तो वहां पर हमें क्या करना है, सेलिंग साइड की पोजीशंस पर है। रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो 45,650 छोटा रेजिस्टेंस है, आज के दिन में ये क्रॉस नहीं कर पाया, लेकिन बहुत बार ये रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस कर चुका है तो इसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। हो सकता है अगर गैप अप मिला हमें 150-200 पॉइंट तो ये रेजिस्टेंस लेवल के हम लोग ऊपर ही ओपन होंगे, तो वहां से अपसाइड कहां पर है 46,200, बहुत ध्यान में रखना है।
40,200 के पास में हमने और भी अगर जो ध्यान से देखा, बैंक निफ्टी 3-4 बार इस लेवल के पास में से सेलिंग हुई है, तो ये लेवल आएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। हम लोग थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, अगर ये लेवल डिसाइसिवली टूटता है तो वहां पर हम लोग फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। इवन दो जिसका होल्ड रहेगा पोजीशन, जो नहीं बुक करना चाहता वो पार्सल बुक करके अपना छोटा पोजीशन रख भी सकता है होल्ड। तो यही स्ट्रेटेजी रहेगी कल के लिए, और देखेंगे कल मार्केट कहाँ खुलेगा उस हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। मिलते हैं अभी शाम को, हम लोग कमोडिटी मार्केट में जब लाइव आएंगे, हम लोगों ने अभी रेगुलर कर दिया 6 PM to 8 PM हम लोग लाइव रहेंगे, तो कमोडिटी मार्केट में भी जुड़िए अपना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट देने के, या फिर अपना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भी अपने एफर्ट्स दीजिए, हम भी देंगे, जब भी मज़ा आएगा काम करने में, और आप लोगों की ग्रोथ होगी, हमारी भी ग्रोथ होगी। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू गाइस।